हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट। माय अर्चना शर्मा। नाउ आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट के साथ लर्निंग कर रहे थे वाई लॉकडाउन। अभी आप सब ठीक होंगे। कोरोना वायरस के पीरियड में लॉकडाउन ओपन हो रहे हैं बट केसेस कम नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। आप अपने आप को घर पर रहकर सेव करिए और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट वो बंदे जो बीएड कर रहे हैं, बीएड करने की सोच रहे हैं, चाहे वो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन वीडियोस से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। नाउ आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने बात की थी इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी ऑन एजुकेशन, यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र पर शिक्षा का प्रभाव क्या है, हमने इसके बारे में बात की थी और हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस भी कर लिए थे। पहला पॉइंट डिस्कस किया था, मैं फटाफट ब्रीफिंग करा दे रही हूँ, आपको ये वीडियो क्लियर हो जाएगा। एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में चर्चा की थी हमने। फिर हमने बात की थी कि एजुकेशन सोशियोलॉजी और एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन, तो हमने डिटेल बात की थी। अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे, तो प्रॉपर डिटेल में पढ़ लिए थे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आज फटाफट अपना चौथा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड कोरिकुलम। हमने जब उद्देश्य की बात कर ली, मीनिंग की बात कर ली और फंक्शन की बात कर ली, तो अभी हम बात करते हैं कि कोरिकुलम क्या है। एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड कोरिकुलम यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र और पाठ्यक्रम। तो देखते हैं पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम से आप समझ रहे हैं कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आपकी जो सोसाइटी है उसकी नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने चाहिए, उसकी एबिलिटी के हिसाब से होने चाहिए, और प्लस जो आप सोसाइटी में रह रहे हैं उसको कैसे चेंज करके अच्छा मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, नई नई चीज़ों को टीचिंग में ला सकते हैं। तो इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए और पाठ्यक्रम शिक्षा से कंसर्न होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, वो कॉन्स्टेंट ना रहे, है ना। अगर पाठ्यक्रम बिल्कुल हम शुरू से सेम पाठ्यक्रम पढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे पिछले 100 सालों का पाठ्यक्रम ले लीजिए या अभी का पाठ्यक्रम ले लीजिए, तो आप जो पढ़ते आ रहे हैं अगर उनमें चेंजेस नहीं हुए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चेंजेस होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम, कि अगर कंडीशन और टर्म्स ये कहती हैं कि हाँ हमें ये चीज़ भी सीखने की ज़रूरत है, तो हमारे कोरिकुलम में इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, असेसमेंट भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव एंड समेटिव टाइप के असेसमेंट भी होते हैं जिनमें हम इट्स अ काइंड ऑफ इवेल्युएशन, जिनमें हम ये पता करते हैं कि पाठ्यक्रम एक बच्चे के लिए कितना सक्सेस है। तो ये सारी कंडीशंस हैं अबाउट द कोरिकुलम। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है, इट शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स एंड एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रेन एज वेल एज द सोसाइटी, यानी कि पाठ्यक्रम आपका कैसा होना चाहिए, बच्चे की जरूरत या आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए और सोसाइटी की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। नाउ सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट शुड रिफ्लेक्ट कल्चरल एंड अदर हायर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, यानी कि शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसमें जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसमें हमारे संस्कृति की झलक मिले, जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल्य हैं सोसाइटी के, उनको भी हमें सिखाना चाहिए, तभी बच्चे जान पाएंगे कि हाँ हमारे सोसाइटी में इन इन सब चीज़ों का यूज हो रहा है। अगर हम पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को नहीं डालेंगे तो बच्चे हमारे कल्चर को, हमारे वैल्यूज को, समाज की जो अवधारणा है, ट्रेडिशन है, उसको समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट हमारा, इट शुड प्रोवाइड एजुकेशनल प्लान फॉर द पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वो एक तरीके का उचित पाठ्यक्रम एजुकेशनल प्लान बना सके और उस एजुकेशनल प्लान को बनाकर वो सोसाइटी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट है हमारा, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए आपका पाठ्यक्रम, ताकि अगर समाज में कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़े, उसका उपयोग करना पड़े, तो उन बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इट शुड बी रिवाइज्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। देखिए पाठ्यक्रम क्या है, वो टाइम टू टाइम रिवाइज होना चाहिए, टाइम टू टाइम वैरी करना चाहिए, जैसे जैसे सोसाइटी की रिक्वायरमेंट या नीड हो, है ना, पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट हमारा, इट शुड डेवलप क्रिएटिव आउटलुक। बहुत सिंपल पॉइंट है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं फटाफट एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट शुड डेवलप क्रिएटिव आउटलुक अमंग द स्टूडेंट, और बच्चों में वो क्रिएटिविटी आउटलुक को डेवलपमेंट करे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी यानी कि चीज़ों को करके सीखने का फोकस करना चाहिए, क्रिएटिविटी आनी चाहिए, बच्चों के अंदर सृजनात्मकता होना चाहिए, तो इन सबका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इट शुड टीच डिग्निटी ऑफ द लेबर, और बच्चों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए उन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है, इट शुड एम्फसिस द प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट, और जो पाठ्यक्रम है आपका प्रोफेशनल चीजों से भी रिलेटेड हो और हमारे साइंटिफिक चीजों से भी रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इट शुड मेक चिल्ड्रेन कैपेबल फॉर देयर द लाइवलीहुड, और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को ये सिखा सकें कि कल को उनको अपने एजुकेशन के बाद, लर्निंग के बाद अर्निंग करनी है, और अर्निंग करके अपने जीवन को अच्छा जीवन यापन करना है, सुख सुविधाएं सारी होनी चाहिए, तो इस तरीके का पाठ्यक्रम भी होना चाहिए।
नेक्स्ट है इट शुड प्रिपेयर द चिल्ड्रेन फॉर द वर्ल्ड सोसाइटी एंड द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। हमारा पाठ्यक्रम इस तरीके का होना चाहिए कि वो बच्चे को प्रिपेयर करे कि हम अपने सोसाइटी में इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को सुधार सकें, अपने रिलेशन को अच्छा बना सकें और अपनी अच्छी चीज़ों को फॉरेन तक भी पहुँचाया जा सके, यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो था हमारा करिकुलम इसके अकॉर्डिंग, सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग। फटाफट बात करते हैं, एक और पॉइंट है, देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट करिकुलम मस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट, कुछ हमारे जो मतलब कह सकते हैं आप एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट हैं यानी कि शिक्षा समाज शास्त्र, तो उनके हिसाब से करिकुलम में ये बातें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहला इसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, यानी कि बच्चे को हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि उसको प्रॉपर मेंटेनेंस सिखाई जानी चाहिए, हाइजीन हेल्थ ये सारी चीजें सिखाई जानी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से स्पोर्ट्स योगा ये सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं, इससे बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हमारा सोशल स्टडी, सोशल स्टडी भी होना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में, तभी हम दुनिया में जो एक्टिविटी हो रही है, सोसाइटी में जो एक्टिविटी हो रही है, हम उनको जान पाएंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज, लैंग्वेज भी होना चाहिए, अगर हमें लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होगा या भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए, जब भी पाठ्यक्रम बने तो लैंग्वेज के बारे में भी बात की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जरूरी है अपने जीवन के खर्चों को चलाने के लिए, ताकि हम बजट और नॉन बजट वाली चीज़ें भी समझ सकें, फाइनेंशियल क्राइसिस भी समझ सकें, फाइनेंस समझ सकें और पैसे की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। तो मैथमेटिक्स हमारे डेली यूज लाइफ में होता है इसका, और जो बच्चा मैथ, जो बंदा मैथ नहीं जानता है वो बजट के लिए बहुत खराब होता है, वो बजटिंग नहीं कर पाता है, ठीक है, मैथ्स भी जरूरी है। फिर म्यूजिक एंड आर्ट, हम बहुत पढ़ लिख लेंगे, सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो हम अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए म्यूजिक एंड आर्ट वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइड आर्ट, अप्लाइड आर्ट का मतलब है कि हम अपने शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में जो भी हमारा साहित्यिक आर्ट है आप जिसको बोल सकते हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आर्ट्स के माध्यम से कला, कला में इंटरेस्ट ले सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं ना अपना अपना फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो कुछ आर्ट्स ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, तो जैसा जिसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जनरल स्टडी, जनरल स्टडीज की भी बात करते हैं। जनरल स्टडीज में हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो जनरली सोसाइटी में हो रही हैं, इसमें जीके आता है, आपका जीएस आता है, जनरल नॉलेज आती है, जनरल साइंस आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हम जीएस बोलते हैं। तो जीएस का मतलब है ओवरऑल नॉलेज, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, तो इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी की, बायोलॉजी का मतलब है यहाँ पे प्रकृति से रिलेटेड है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे बायोलॉजी में जीव जंतु आते हैं तो इनके बारे में बात कर रहे हैं कि एनिमल का बिहेवियर क्या है, एनिमल का रिप्रोडक्शन पीरियड कैसा होता है, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं हम, प्लांट के बारे में बात कर सकते हैं, जीव जंतु के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट भी होने चाहिए जिसमें टेक्निकल चीज़ें हों, कॉमर्शियल चीज़ें हों, एग्रीकल्चर चीज़ें हों, तो इस तरह का पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। बाकी जो पीछे वाले पेज में पाठ्यक्रम डिस्कस किया है उस तरह का पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड मेथड ऑफ टीचिंग। जब हमारा पाठ्यक्रम बन गया तो हम उसको पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड भी अच्छा अच्छा सोचेंगे, जाहिर सी बात है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड का मतलब है इसमें बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है टीचर के माध्यम से और बच्चा उस प्रोजेक्ट पे काम करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम मेथड, प्रॉब्लम मेथड में बच्चों को एक समस्या दी जाती है और बच्चों को बोला जाता है कि वो पर्टिकुलर इस मेथड में एक ग्रुप बना दिए जाते हैं दो चार बच्चों की और बच्चों को प्रॉब्लम दे दी जाती है, ठीक है, और बच्चों से ये कहा जाता है कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को वो लेकर आए, तो बच्चे यहाँ पे बहुत वर्क करते हैं। फिर सोशलिस्टिक टेक्निक्स, यानी कि सोसाइटी में जो जो चीज़ें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उस टेक्निक को भी यूज़ करना चाहिए हमें अपनी मेथड ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप डिस्कशन मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड में देखिए क्या होता है, ग्रुप बना दिए जाते हैं और टॉपिक दे दिया जाता है डिस्कशन करने के लिए, तो आपस में विचार विमर्श करके ग्रुप पैनल बना लेते हैं और वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे रैंडमली वो टेक्निक यूज की जाती है कि अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो हमने रैंडमली ग्रुप बना दिया है और ग्रुप बनाने के बाद हमने ये कोशिश की है कि बच्चों से या जो भी टीचर के लिए हो रहा है या बच्चों के लिए भी हो रहा है तो टेक्निकली उन बच्चे को अपनी स्किल के माध्यम से कैसे सॉर्ट आउट किया है। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव प्लानिंग, कोऑपरेटिव प्लानिंग का मतलब है कि सोसाइटी में या कॉलेज में या स्कूल में एक दूसरे के साथ मिलकर हम कैसे टीचिंग मेथड को अच्छा बना सकते हैं, हम कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी यूज करें जिससे हमारे स्कूल की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो और बच्चे उसको अच्छे से अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारा डाल्टन मेथड, डाल्टन विधि भी होती है, डाल्टन के द्वारा बनाया गया प्लान होता है और इसमें भी वही होता है कि आपको एक टास्क दे दिया जाता है, उस टास्क को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेमोक्रेटिक थिंकिंग फॉर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ सोशल सिचुएशन। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग भी क्या है, एक तरीके का आज का बहुत अच्छा मेथड है, साइंटिफिक मेथड है ये,
इवन देखा जाए तो इसके माध्यम से हम छोटे छोटे प्रॉब्लम पे बहुत सारा काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम दे दी जाती है, फिर बच्चे कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। उसमें उसको टीचर हेल्प करेगा, टीचर एज अ गाइडर वहां पे होगा, लेकिन काम कौन करेगा, बच्चे करेंगे। ये एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो टीचर चाइल्ड और दोनों का रिलेशनशिप भी यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि टीचर भी कॉपरेट करता है अपने बच्चे को उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालने के लिए। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग, और इसमें से कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग मैंने अपने पैडागॉजी के लेक्चर में वीडियोज में डाल रखे हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप उस पैडागॉजी को आप सर्च करके देख सकते हैं, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा, पैडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस। तो वीडियोज पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत होती है तो, ठीक है। चलिए अभी हम अपने नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए आपको पता है, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए ना। डिसिप्लिन शुड बी सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक डिसिप्लिन होना चाहिए। सामाजिक डिसिप्लिन से भी मैं ज्यादा ये बोलूंगी कि प्रत्येक बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि डिसिप्लिन को हम किसी तरीके से बच्चे पे लादे नहीं, बच्चा खुद से सीखे कि हाँ हमें डिसिप्लिन आना चाहिए, है ना। बच्चे से हम किसी के लिए जबरदस्ती डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करवा सकते हैं। तो बच्चे को ऐसे ऐसे टास्क दिए जाएं और उन्हें ये बताया जाए कि इस तरीके के डिसिप्लिन होते हैं, जबरदस्ती किसी तरीके के डिसिप्लिन को ना लादे, यानी कि हम स्व अनुशासन की बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, जिसमें बच्चा खुद को रियलाइज करता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा दैट डिसिप्लिन इमिनेट्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव इन द सोशल लाइफ। देखिए डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए, और डिसिप्लिन हमें यही सिखाता है कि हम सोसाइटी के साथ अपने सामाजिक जीवन को कैसे कॉपरेट करके चल रहे हैं। फिर डिसिप्लिन थ्रू द पार्टिसिपेशन एंड शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है सेल्फ डिसिप्लिन, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं प्रॉपर डिसिप्लिन से आप उसको निभा सकते हैं और लोगों के पार्टिसिपेशन को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन विल कल्टिवेट सोशल पैटर्न, सोशल एटीट्यूड, सोशल हैबिट, सोशल इंटरेस्ट एंड द अदर क्वालिटीज ऑफ द हेड एंड हार्ट। देखिए जो डिसिप्लिन है देखा जाए तो दिमाग और दिल दोनों की सुनता है, ठीक है। हमने बोला ना कि आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई है तो आपके अंदर खुद से आता है, जिसको हम इंटरनल भी बोल सकते हैं। कि अगर बच्चा इंटरनली वीक है, वो नहीं जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम डिसिप्लिन को फॉलो भी नहीं कर पाएंगे और डिसिप्लिन हो भी नहीं पाएंगे, है ना। किसी बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के लिए हम उसके अंदर बचपन से अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं, अच्छे अच्छे मॉरल वैल्यूज डालते हैं, तभी वो बच्चा कहीं जाकर भविष्य में डिसिप्लिन सीख पाता है। तो ये डिसिप्लिन है, और जहां पे दिल और दिमाग दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है और बहुत जरूरी है। नाउ सिक्स पॉइंट हो गए, इस वाले लेक्चर में बंद करते हैं, सिक्स पॉइंट तक ही, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो अगर आपको इन लेक्चर्स में प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।